नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। एक अरसा हो गया जब जेडीयू और आरजेडी अलग हो गए। अलग होने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया और सामान्य होने के बाद ऐसा लगा कि आरजेडी की तरफ से जो तल्ख टिप्पणियां होती थी वैसा कुछ होगा, चाचा जी और तरह तरह की बातें, या फिर इस तरफ से भी कुछ बड़े कड़े शब्द बोले जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक लंबे अरसे के बाद जब रूटीन चेकअप के लिए लालू प्रसाद मुंबई जा रहे थे तो एयरपोर्ट पर यह सवाल पत्रकारों ने उनसे पूछ दिया। उसके बाद लालू प्रसाद ने अपनी बात कही, लेकिन एक बड़े अंतराल के बाद जब तेजस्वी ने बयान दिया तो इसमें तल्खी दिखने को मिली और काफी कड़ा सा लगा। ये आखिर नीतीश कुमार के प्रति जो एक ट्रेंड सेट किया था आरजेडी ने कि नहीं, हम उनको बड़ा सम्मान देंगे, अलग हो गए तो अलग हो गए, लेकिन जितने भी सम्मानित शब्द होते हैं या फिर अगर नहीं भी होते हैं तो उनके खिलाफत में कुछ ऐसा नहीं कहेंगे जिससे ऐसा लगे कि किसी का मान मर्दन कर दिया हो। लेकिन तेजस्वी इस बार जब उन्होंने कहा तो तेजस्वी ने जो नहीं कहा था वो कहा और बहुत कड़ा कहा। सबसे पहले तेजस्वी का ही बयान हम रखते हैं, उसके बाद लालू प्रसाद का और उसके बाद जेडीयू की प्रतिक्रिया। चौथी बार हमने देखा है कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म कहिए, मंच से वो कसम खाते हैं कि अब कुछ भी हो जाए अब आपके साथ हो नहीं जाने वाले। कितनी बार ये कसम खा चुके हैं इधर या उधर, वो आपको भी याद नहीं होगा। बिहार की जनता तो छोड़िए, किसी पत्रकार को भी याद नहीं होगा कि इधर आए तो कितनी बार कसम खाएं, उधर गए तो कितनी बार कसम खाएं। उनका कसम का कोई मतलब नहीं है, देयर इज अ जीरो वैल्यू ऑफ उनका जो भी कसम उखाते हैं, कोई वैल्यू नहीं, मतलब नहीं है और कोई विश्वास भी नहीं करता। कब पलट जाए, कभी हो जाए, कोई मतलब नहीं। लेकिन अब दो बार हम लोगों ने उनको जिंदा कर दिया, दो बार दया कर दिया उन पे जिंदा करके, दोनों बार वही रूप उनका दिखा, तो इस बार कोई मतलब नहीं है। अब तो जनता ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए तो हम लोग कौन होते हैं। आपने कल कहा कि पैरों पे गिर पड़े थे, गिर गिरा रहे थे। हाँ तो गिर गिरा रहे थे हम तो, कितने हमारे घर जब आए तो हाथ जोकर जोड़ करके माफी मांग रहे थे। तेजस्वी जी यात्रा पे निकले हैं, क्या कहेंगे? यात्रा शुरू हुआ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। लालू जी गलती कर दिए थे, गए थे दो बार आपके साथ आकर गलती कर दिए थे, नीतीश कुमार जी कहे अब नहीं जाएंगे आपके साथ। कहावत चरितार्थ होता है, पिता रहे अंधेरा में अब बेटा पावर हाउस, प्रवचनकर्ता बन गए हैं बेटा तेजस्वी यादव जी। सच को कबूल करिए ना। 29 दिसंबर 1989 नियम 193 के तहत आपके पिता लालू प्रसाद जी ने आरएसएस और भाजपा को प्रमाण पत्र दिया और लोकसभा में कहा कि भागलपुर को बदनाम करने के लिए, बीजेपी को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को बदनाम करने के लिए मैथिल ब्राह्मणों ने क्या क्या किया, ये आपके पिता कह रहे हैं। तो दे दो राम दिला दो राम देने वाला सीताराम की राजनीति किया है। हाल में हल्दी हमने लगाया, 2015 में आपके पिता ने पहला फोन नीतीश कुमार जी को किया, इसका वीडियो फुटेज उपलब्ध है। अब बेटा प्रवचनकर्ता बन गए। नीरज कुमार जी के बोलने का जो तरीका है, जो स्टाइल है, वो अलग तरीके का है और जरूरी भी है कि जब आप गांव के किसी दलान पर ज्यादा समय देते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो कई कहावतें, कई दोहे आपके जुबान पर चढ़ जाते हैं। और अच्छा ही कहा उन्होंने, जिस अंदाज में कहा लोग ज़्यादा इंटरेक्ट उससे हो पाएंगे, अंग्रेजी ज़्यादा बोलने से लोगों को समझ में कम आता है। तो आज की डिबेट शुरू करते हैं। अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हैं, शिशिर कौंडल्य नेता कांग्रेस से, अनुप्रिया प्रवक्ता जेडीयू से, एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से, सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और एजाज अहमद जी, कई बातें इसमें निकल कर सामने आई हैं और जो सबसे बड़ी बात है कि अब तक तो बड़ा ही शांत रवैया चल रहा था नीतीश कुमार के लिए, और नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार किसी मंच से, क्योंकि इससे पहले अमित शाह आए थे उस मंच पर भी थे, जेपी नड्डा आए तो फिर उस मंच पर भी बराबर वो उस तरफ देखते हैं और वो कह डालते हैं,
और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो बीजेपी है उसे आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि अब नहीं जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी एक रिएक्शन आया और अखिलेश सिंह ने कहा कि यही कहते कहते कई बार इधर से उधर, उधर से इधर हो गए। आज जो बातें तेजस्वी ने कही तो इस पर एक डिबेट यहां पर बैठता है। लालू को नीतीश का तलाक मंजूर है, नीतीश ने जो कहा। देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी कितनी बार इस तरह की भाषा इस्तेमाल की है। जब वो हमारे साथ थे तो क्या कहते थे, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। और ये लोग तो हमेशा बरगलाने का काम करता है। अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहा था, भारत जलाओ पार्टी, और उसी भारत जलाओ पार्टी के साथ ये बार बार अलटते पलटते रहे। और इनका ये पूरी तरह से राजनीतिक जो सोच है ये अब आम आवाम के बीच ये बात पहुंच चुका है। और अब आम आवाम भी कहने लगी है कि कब नीतीश जी किसके साथ चले जाएंगे ये उनको भी पता नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह से वो अविश्वसनीय राजनीति करते रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता का तो विश्वास खो ही चुके हैं, अब उन पार्टियों का भी विश्वास खो चुके हैं जिन पार्टियों के साथ ये गठबंधन में रहे। ये समय कितना उपयुक्त था, तेजस्वी ने जो बातें कही, तेजस्वी की जुबान से कभी ऐसा हमने सुना नहीं था। तो एक लंबे गैप के बाद अगर तेजस्वी ने कुछ कहा तो बहुत ही कड़ा कहा है। ये पॉलिटिकल एंगल से हम इस बात को कह रहे हैं। नहीं नहीं, आपको कड़ा लग रहा होगा लेकिन उन्होंने यथार्थ रखने का काम किया है और आम आवाम के बीच भी बताने का काम किया है कि नीतीश जी के प्रति जो आप लोग इनको अब विश्वास नहीं करते हैं, इनकी राजनीतिक जो सोच है उस पर जो आम जनता का विश्वास नहीं है, आम जनता का जो समर्थन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना वजह ये आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के सामने बार बार कह रहे हैं कि अब हम इधर उधर नहीं जाने वाला है। ये सिर्फ जेपी नड्डा के सामने नहीं कहे, अमित शाह के सामने भी कहे। और प्रधानमंत्री जी 15 सभा में आए थे बिहार में, 15 सभा में जहां जहां नीतीश जी की उपस्थिति थी वहां पर नीतीश जी ने कहा अब हम इधर उधर जाने वाले नहीं है, अब हम आपके साथ ही रहेंगे, जो हुआ सो हुआ। इससे ही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती का खेल अंदर में जारी है और भारतीय जनता पार्टी इनको जब जब ये कहकर आरजेडी क्या कोई परसेप्शन सेट करना चाहती है? नहीं, आरजेडी परसेप्शन क्या सेट करेगी, आरजेडी का परसेप्शन आम जनता ने सेट कर दिया है। अब आम जनता कहने लगी है कि तेजस्वी का मतलब रोजगार, तेजस्वी का मतलब नौकरी, तेजस्वी का मतलब विश्वास, तेजस्वी का मतलब बिहार में विकास का। तेजस्वी पर जब इतना ही भरोसा था तेजस्वी के चेहरे पर, तेजस्वी के काम पर, फिर आपने गमछा क्यों हटा दिया? शायद आप दूसरे दिशा में इसको ले जाना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं गमछा विवेक जी सुनिए ना, एक इमेज बिल्डअप करने की बात जब होती है तो इमेज कई तरीके से बदला जाता है। नहीं नहीं, बातें तुम्हारी नहीं, आपने कुछ ऐसा बोला तो हमने थोड़ा गमछा की तरफ घुमा दिया, कन्वर्ट कर गया ना टोपी और बैज। सुन लीजिए ना, सच तो ये है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पार्टी के नेता हैं, क्योंकि ये आम सभा का मामला नहीं है, यहाँ पर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता से फीडबैक ले रहे हैं नेता। और पहली बार कोई एक ऐसी पार्टी है जो पूरी तरह से कार्यकर्ताओं के बीच जाकर के कार्यकर्ताओं का विचार लेकर। ठीक है, ये तो आपका चैप्टर, उस चैप्टर में हम नहीं जाना चाहते हैं कि तेजस्वी किस लिए गए, लेकिन जो बातें उन्होंने कह दी, लालू प्रसाद ने जो बातें कह दी उससे लगता है कि नहीं आप भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आपने ये कहा कि ये कौन बताएगा, नीतीश कुमार भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन अनुप्रिया जी से हमें बहुत ही ये है कि वो बता दें कि नीतीश कुमार का क्या मूड है। अनुप्रिया जी, कांग्रेस के पास हम आएंगे लेकिन उससे पहले आपसे पूछ लेते हैं वही सवाल जो कांग्रेस ने अखिलेश सिंह ने कहा है कि भाई यही कहते कहते कई बार उधर गए, कई बार इधर गए, अब पता नहीं क्या होने वाला है आगे। विवेक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार की जनता की आवाज के रूप में आज आपको बताऊंगी। निश्चित है
कि बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन काल में जिस तरह से चौमुखी विकास हुई है और जिस तरह से बिहार में बिहारी होने का गर्व और बिहार को गौरवान्वित होने का महसूस जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने करवाया है, तो बिहार की जनता यह जानती है कि आगामी विधानसभा इलेक्शन में भी जहां नीतीश कुमार जी जहां है वही सरकार है, वही सत्ता है। क्योंकि फिर आप भरमा रही हैं। नहीं अनुप्रिया जी, फिर आप भरमा रही हैं, जहां नीतीश कुमार है वही सरकार है, आप समझिए। अब फिर आप कहिएगा, फिर इस पर सवाल खड़ा हो जाएगा कि नीतीश कुमार अभी कहाँ हैं, अभी कहाँ होंगे। एक है ना भाई, जहां होंगे उसी की सरकार बनेगी, ये तो ट्रेंड समझ में आ रहा है। लेकिन आप इस पर मुहर लगाइए कि हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है। ऐसा अगर कहती हैं तो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, लेकिन जहां वहां यहां तहां करिएगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। आपने मुझे एक मिनट भी बोलने का मौका नहीं दिया विवेक। अरे दे दिया, आप लीजिए, एक मिनट ले लीजिए। हाँ देखिए, हमारा जो नेचुरल अलायंस एनडीए के साथ में है, हमारे गठबंधन साथी जो बीजेपी है उसके साथ ही हमारी जनता ने हमें स्वीकारा था 2005 से। और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार नहीं और कई मौके पे कहा है कि हमसे गलती हो गई। और जिस फुटेज की बात हमारे प्रमुख प्रवक्ता आदरणीय नीरज कुमार सर कर रहे थे, उन्होंने क्लिप भी अपने ट्विटर हैंडल पे लगाया जिस समय में लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि हमने लोकसभा का रिजल्ट देखकर फोन किया नीतीश कुमार जी को, बड़ा गड़बड़ हो गया हम दोनों के फूट में, देखो इनकी सत्ता चली आई है, हमें एक होना चाहिए। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि गिरगड़ाने अपने सुपुत्र की राजनीति की शुरुआत करने के लिए किन्होंने पैर पकड़ा और किन्होंने बात किया। अब ठीक है, ये जेडीयू से सवाल हमारा बन सकता है। एक सवाल अनुप्रिया जी, अब हमें जरा ये बताइए, इसमें बच्चा कौन है, बुजुर्ग कौन है? दोनों ही परिपक्व राजनेता हैं, दोनों को ही राजनीति समझ में आती है। और बिहार में यही दो एक चेहरे हैं, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, जिनकी राजनीति आज से नहीं कई वर्षों से चली आती रही है। अब हमें जरा ये बताइए, अब हमें ये बताइए, किसी ने कहा और हमने मान लिया, ये तो बड़ा ही एकदम हास्यास्पद लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं लगता? मैं इसको जस्टिफाई मैं कर देती हूँ, मैं क्लियर कर देती हूँ। मैंने जो प्रसरण बताया वो 2015 का बताया। और बच्चा क्यों कहा, अब सुनिए, आरजेडी के नेता प्रवक्ता सभी सुनिएगा क्या कह रहे थे लोकसभा चुनाव में। 17 महीने की सरकार में हमने दिया नौकरी दिया। आपको यह पता होना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो सर्वे सर्वा होते हैं, और मुख्यमंत्री जी के आदेश होने से ये विषयांतर हो जाएगा। नहीं ठीक है, आप जो कह रही हैं सब मान्य है, जो कहा है वो हमारे पास भी है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं इस बार तो नहीं ना कोई मतलब सटना नहीं है ना, या फिर जहां वहां बोलिएगा, ये कसम तो खा लीजिए अभी कि नहीं हम बीजेपी के साथ हैं ये बोले। विवेक जी, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में जिस तरह से महागठबंधन ने अपनी जमीनी हकीकत को जान लिया है, अब इन्होंने अब सोचा कि भाई हताश परेशान कार्यकर्ता, जिन कार्यकर्ताओं की पूछना होती है, जहां पार्टी में लक्ष्मी की पूजा होती है और लक्ष्मी के आवाहन से वहां पे टिकट मिलता है, कैसे? एक मैं एग्जांपल देती हूँ, कुछ दिन पहले कहा गया यादव कुशवाहा भाई, एम भाई कहां गया? एम सिर्फ आपकी वोट की राजनीति के लिए था। एम की बात जहां हो करते आपके पिता थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, कहते एम वाई समीकरण पे हर स्ट्रैटेजी को बदल रहे हैं। अब नतमस्तक हो रहे हैं जनता के बीच में, आप स्वीकार रहे हैं कि मेरी पूरी स्ट्रैटेजी, वो कहावत है कि सूप के बियाह में खुरपी वाला गीत, तो ये वैसा हो जाएगा ना। आप कुशवाहा समाज को संबोधित करने जाइएगा तो भाई किसे कहिएगा फिर? देखिए मैं यही तो बताना चाह रही हूँ, आप समझ रही विवेक जी मेरी बातों को ध्यान। हाँ, शायद मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ। अपने कार्यकर्ताओं को ठगने का इस्तेमाल किया लोकसभा में, किनको टिकट? विवेक जी बुलाए, एक मिनट आप जरा आगे बढ़ते हैं, एक मिनट हम मानने सुशील कौंडिल्य, रुके ना, एक बार हम होके आते हैं, एजाज भाई जरा रुकिएगा, होके आते हैं। शिशिर कौंडिल्य नेता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। शिशिर कौंडिल्य जी, लालू को नीतीश का तलाक मंजूर है, इस बार क्या लग रहा है, कांग्रेस कैसे इस पूरे मसले को देख रही है? विवेक जी देखिए, अभी जो सवाल हो रहे थे और आपने बड़ा अच्छा एक कहावत कहा कि सूप या हसवा के विवाह में खुरपा का गीत, बेसिकली दोनों प्रवक्ता, इनके जो मुख्य प्रवक्ता अभी नीरज जी को ही मैं सुन रहा था, और अभी हम लोगों के साथ बैठी बहन है प्रवक्ता जेडीयू की, उनको ही मैं सुन रहा था, दोनों की वही स्थिति है। बेसिकली नीतीश कुमार जी गैर प्रासंगिक हो चुके हैं जनता के बीच में भी और पॉलिटिकली भी। अब देखिए है क्या कि कैरेक्टर होता है,
अब भारतीय जनता पार्टी का भी कैरेक्टर उतना ही सस्पिशियस है जितना सस्पिशियस नीतीश कुमार जी का कैरेक्टर है। आप समझ लीजिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े लीडर माननीय अमित शाह जी, जो अभी गृह मंत्री हैं भारत के, वो आए नवादा में, नवादा में रैली करते हैं और नीतीश कुमार जी के लिए वो कहते हैं कि बिहार की जनता को मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे नीतीश कुमार जी के लिए सदा बंद हो गए, हमेशा के लिए बंद हो गए। लेकिन मैं मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने दरवाजे की घुंडी लगाना वो भूल गए शायद, प्रोबेबली ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी की फिर से एंट्री हो गई। अब कहां से एंट्री हुई वो तो देश भी जानता है, बिहार की जनता भी जानती है और तमाम पॉलिटिकल संवर्ग के लोग जानते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ नीतीश कुमार जी का देख लीजिए, अभी तेजस्वी यादव जी ने बताया कि गड़गड़ा करके आए और उससे आने के बाद क्या नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन अब सब कुछ खत्म, अब उनके साथ कभी नहीं जाएंगे। बार बार बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को मंच से सफाई देनी पड़ रही है। विवेक जी, वो चाहे प्रधानमंत्री जी के साथ वो मंच शेयर करें या जेपी नड्डा जी के साथ मंच शेयर करें, मंच से वो बार बार अपने आप को प्रासंगिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। इसका मतलब साफ है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, ये कहावत है। ठीक है, डिबेट के दौरान कई विश्लेषकों की भी हमने राय ली है और सुना भी है, और जो उनका एक जो कहते हैं सेंटर पॉइंट है कि आखिर बिहार के इलेक्शन में कौन प्रमुख तौर पर देखा जाएगा या कौन धुरी रहेगा, तो उसकी भी जो एक कहते हैं ना कि उसका अंदेशा भी हम तक पहुंचता है। अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। अरविंद कुमार जी, कई आरोप लग रहे हैं, ऐसे में क्या धड़कन बढ़ी हुई है जो आरजेडी कहना चाह रही है, जो प्रोसेसर क्या ये परसेप्शन सेट किया जा रहा है, ये हो क्या रहा है, और क्या अभी भी आपको लग रहा है कि बार बार नीतीश कुमार जिस चीज़ को करते हैं कहते हैं फिर वो गड़बड़ा जाता है मामला, कुछ ऐसा लगता है आपको? नहीं विवेक जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी 2005 में जब सरकार में आई थी तो लालू जी के खिलाफ आई थी, और हमारा नेचुरल अलायंस किससे था, नीतीश जी के साथ था। ठीक है, बीच का कुछ पीरियड है, नीतीश जी चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों वाली पार्टी है, और आप ये महसूस करेंगे, जनता भी महसूस करती है कि हम जिस लड़ाई को लेकर चले थे, विकास और अमन चैन, आज भी भारतीय जनता पार्टी 2005 से लेकर आज भी उसी रास्ते पर है, हम कहीं नहीं गए हैं। दूसरी बात रही कि हमें लगता है कि पूरे डिबेट में जो मुझे समझ में आई कि अब भी तेजस्वी जी को यह आशा है कि नीतीश जी हमारे साथ आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि 2000 जो अभी इलेक्शन हुआ लोकसभा का, इस चुनाव में जनता ने जिस रूप से हमारे और नीतीश कुमार और जो हमारे एलायज हैं इस गठबंधन को सराहा है, तो अब नीतीश कुमार जी कई एक बार यह स्पष्ट कर चुके हैं विवेक जी कि हम कहीं नहीं अब जाने वाले हैं। और एक चीज़ तो ये मान के चलना पड़ेगा ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नीतीश कुमार, इनका जो एक मन मिजाज है वो मन मिजाज बैठता है। जब भारतीय जनता पार्टी और दरवाजे की कुंडी आपने पहले ही हटा दी थी, बस एक सेकंड में कहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ कर गए थे तो आपको याद होगा कि उन्होंने नहीं कहा था कि मैं पूरी टीम भ्रष्टाचार में लगी हुई है, पूरी कैबिनेट, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन आरजेडी के साथ जब छोड़ कर आए तो उन्होंने कहा पूरी टीम, भारत जलाओ पार्टी कहा था, पूरी आपके बारे में, पूरी कैबिनेट आरजेडी के जितने भी मंत्री हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इन कारणों से मैं छोड़ रहा हूं। सर्वोपरि क्या है, आपके पास सत्ता नहीं है, सत्ता आती जाती रहेगी। विवेक जी सुनिए, इजाज भाई, सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन बिहार के अगर लड़के पलायन करते रहे, बिहार में विकास नहीं हुआ, अमन शांति नहीं हुआ, तो ऐसी सत्ता को लात मार देना सही है। सुनने में बड़ा बहुत लग रहा है, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग जैसा लग रहा है, सत्ता आती जाती रही है, सत्ता को लात मार रहे हैं। अरे महाराज, सब उसी के लिए हो रहा है, ठीक है, आप इधर रहे उधर रहे, जिस भी पार्टी के साथ रहे, लेकिन इस बार जो लालू प्रसाद ने कहा या फिर जो नीतीश कुमार को जवाब दिया गया, तेजस्वी अब कह रहे हैं इसका
क्या मकसद है ये सबको भी समझ में आ रहा है, खासकर जो पॉलिटिक्स में जो राजनीति में रुचि रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, बात अच्छी हुई और खबरें यहां लगातार जारी हैं।